हे गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ फोर्स्ड अरेंज मैरिज का पार्ट लेके आई हूँ। और गाइस, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करूँगी वीडियो के लास्ट में। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, वो मैं फटाफट से जब हमारी स्टोरी एंड होगी तो उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ चीज़ शेयर करूँगी, जो कि मेरे लिए तो एक्साइटेड है, बट आई डोंट नो वो आप लोगों के लिए एक्साइटेड होगी या नहीं होगी। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि हमारा वांगशन जो है वो बच्चों को संभालने में कितना बिजी हो जाता है। धीरे धीरे एक एक साल बीतने लगता है और हमारे लवांगची और वेवुशन के बीच में टकरारें ही होती थी। कितनी बार वेवुशन छोटी छोटी बातों पे वांगजी से लड़ पड़ता था, जैसे कि वांगजी उनकी कभी एनिवर्सरी पे उसे गिफ्ट नहीं दे पाता, कभी भी इनका बर्थडे भूल जाता है। एक्चुअली वो भूलता नहीं था, बेचारी को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता था और भी इनको लगता था वो भूल गया। और वो इतने टेंट्रम्स थ्रो करता था ना कि अब तो बच्चे भी वांगजी का साथ देने लगे थे, जिसकी वजह से वेवुशन को लगता था एक तो वो बाहर नहीं जा सकता काम करने के लिए और ऊपर से बच्चे भी वांगजी का साथ दे रहे हैं। फिर एक दिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जो वांगजी था वो ऑफिस के लिए निकल गया था और जो हमारा वेवुशन होता है ना वो घर पे बैठा बहुत बोर हो रहा था। उसके दोनों बच्चे अब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, यहाँ पर उसने अपने दोनों बच्चों को किंडरगार्टन में डाल ही दिया था। उसके बच्चे बहुत क्यूट से थे, स्पेशली उसकी डॉटर बहुत प्यारी सी थी और उसका बेटा भी बहुत क्यूट सा था, लेकिन दोनों ही उनके पापा के लाडले थे। मदर को कोई पूछता भी नहीं था, इसलिए वेवुशन को बहुत गुस्सा आता था। वो हमेशा चाहता था कि हर कोई उसे अटेंशन दे और ऑब्वियस ही बात है एक मदर के लिए अपने बच्चों की अटेंशन सबसे ऊपर होती है। लेकिन जब वो अटेंशन लवांगजी जैसे भोले भले इंसान को मिल जाए तो वेवुशन को जेलिसी फील होती थी। और यहाँ पर सेम लवांगजी जो था वो बेचारे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था। एक दिन वेवुशन वांगजी से जिद कर रहा था कि उसे शॉपिंग पे जाना है, लेकिन वांगजी उसे मना कर देता है। वेवुशन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ये जानता था कि उसका जो पति है ना वो काम को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, धरती हिल जाए, बाढ़ आ जाए, जमीन फट जाए, लेकिन उसका पति जो था वो काम को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर वांगजी जो है ऑफिस चला जाता है। एक्चुअली वांगजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसके चलते वो सोचता है कि चल कोई बात नहीं, मैं आज चला जाता हूँ, बाद में वेवुशन को किसी वीकेंड पर घुमा लाऊंगा। लेकिन अभी वांगजी के पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर आए हुए थे और ऐसे टाइम में जब उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कोई भी इंसान अपने बिजनेस में किसी को भी ना नुकर नहीं कर सकता, नुकसान उठाना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात सिर्फ वांगजी और वेवुशन की नहीं है, लाखों एम्प्लॉयज़ की हैं जो उसके साथ काम करते हैं, उनके बच्चों के फ्यूचर की है। तो लंजा इतना ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता था, वो अपने काम पर चला जाता है। यहाँ पर वेवुशन बहुत बोर होता है, तभी उसे वेनिंग का फ़ोन आता है। वेनिंग बहुत टाइम बाद वापस से यहाँ पर आया हुआ था। वेवुशन देखता है जो कि अब्रॉड गया हुआ था वो इंसान वापस से यहाँ आया है। वेनिंग बहुत स्टाइलिश हो गया था पर आज भी वो उतना ही झल्ला सा था, बहुत ही क्यूट सा था। और वेवुशन को वो टेक्स्ट करता है कि मैं बहुत टाइम से, मतलब पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर आया हुआ हूँ फॉरेन से, और अब मैं वापस लौट जाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि हम लोग मिलें। यहाँ पर वेवुशन जो था वो घर के काम कर रहा था, बच्चे किंडरगार्टन चले गए थे, बच्चों को लाने के लिए नैनी भी थी, और यहाँ तक कि उसने बच्चों को लाने के लिए सर्वेंट्स का भी वो कभी कभी बोल दिया करता था। अक्सर तो वो खुद ही बच्चों को लेने और छोड़ने जाता था, बट कभी कभी इमरजेंसी आने पे वो अपने सर्वेंट्स को भी चीज़ें बोल देता था, क्योंकि वो लोग ट्रस्टवर्दी थे। यहाँ पर उन लोगों का उसने पूरा का पूरा इंश्योरेंस कराया हुआ था, वेरिफिकेशंस कराई हुई थी, हर चीज़ करवाई हुई थी, तो यहाँ पर कोई खतरे की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर वेवुशन जो है वो पहले सोचता है कि उसे लंजा से पूछना चाहिए या नहीं। वो लंजा को फ़ोन करता है बट लंजा के फ़ोन जो था वो आउट ऑफ कवरेज एरिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो सोचता है कि उसका दोस्त जाने वाला है, अगर वो लंजा की परमिशन से, मतलब परमिशन के बिना भी चला जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो यहाँ पर हामी भर देता है, वो वेनिंग के साथ बाहर जाने के लिए एकदम एग्री हो जाता है। वेनिंग जो कि यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ पर वेनिंग का अपना कोई घर नहीं था, उसकी शिजे और वो बचपन से ही अलग रहते थे और उनके जितनी भी ज़मीनें थी वो यहाँ पर अंकल स्वंगर ने हड़प ली थी, जिसकी वजह से उसकी उसके अंकल से तो बनती नहीं थी, लेकिन वो यहाँ होटल में ठहरे हुए थे। वो लोग यहाँ आते थे, अपने केस को लड़ते थे अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए, और फिर केस लड़ के बाकी दोस्तों से मिलके, रिश्तेदारों से मिलके वापस से वो लोग अब्रॉड चले जाया करते थे। यहाँ वेनिंग बहुत खुश था, वेंचिंग भी बहुत खुश थी, विंग से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। बचपन में विंग, वेंचिंग, वेनिंग काफ़ी अच्छे दोस्त थे। विंग के बहुत सारे तो दोस्त नहीं थे, लेकिन जो गिने चुने थे उनसे
वो कितने टाइम से मिला ही नहीं था लंजा की शादी के बाद, जैसे वो भूल ही गया था। उसकी एक पर्सनल लाइफ भी थी, दोस्त यार सब पीछे छूट गए थे सिवाय शिजे जंगचा और शिजन के। वो किसी से बेचारे से मिल भी नहीं पाता था, और अब उसे मौका मिला था तो वह यहाँ लंजा को एक टेक्स्ट छोड़ देता है कि उसके कुछ स्कूल फ्रेंड्स अब्रोड से आए हुए हैं और आज वो यहाँ पर सिटी में लास्ट डे है उनका, तो वो उनसे मिलने जा रहा है। वहाँ पर वो ये नहीं बताता कि वो मिलने कहाँ जा रहा है। उसके दोस्त जिस होटल में 5-स्टार होटल में रुके हुए थे, यहाँ पर वो लोग उसी में वेवुशन को इनवाइट कर देते हैं। वेवुशन अंदर आ जाता है और यहाँ पर वो लोग उसी के ही डिनर हॉल में बैठे हुए थे। एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पर सारे बैठे हुए थे, कैफ़े स्टाइल था 5-स्टार होटल के अंदर। वो लोग बैठते हैं, वेवुशन को अच्छे से ग्रीट करते हैं। वेवुशन उनसे मिलके बहुत खुश होता है। वनिंग कहता है, वेवुशन तुम अभी तक नहीं बोले, तुम उतने ही प्रिटी हो, लेकिन ये क्या तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल कैसे आ गए? वेवुशन कहता है, ये डार्क सर्कल दो बच्चे पैदा करो पता चल जाएगा, सोने नहीं देते, शोर मचा के रखते हैं, आराम नहीं करने देते। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है तो पहला बीमार पड़ जाता है, और तो और कितनी सारी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। यहाँ पर वो वेवुशन को देख के कहता है, तुम जॉब नहीं करते क्या? तो यहाँ पर वेवुशन के जैसे जले पे नमक किसी ने छिड़क दिया हो, वो मुंह बनाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरा अल्फा मुझे काम नहीं करने देता, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा बाहर जाना, मेरा काम करना। यहाँ पर वेनिंग जानता था कि एक टाइम पे वेवुशन कितना ज़्यादा चीज़ों को लेके पैशनेट था, और आज उस बेचारे का पैशन ही मानो जैसे ख़त्म हो गया हो। यहाँ पर वो कहता है, ब्रदर वे आप जीते कैसे हैं? मैंने आपको हमेशा से पैशनेट एनर्जेटिक ऐसा देखा था, इस तरह से ढीला ढीलापन आप पे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर जो हमारा वेवुशन था वो थोड़ा सा सैड था। यहाँ पर वेवुशन के लिए वेनिंग काफ़ी अच्छी खाना और एक बड़ी प्यारी सी वाइन की बोतल मंगवाता है, और यहाँ पर वो लोग वाइन पी रहे होते हैं और खाना खाते हैं। तभी वेवुशन जो है उन लोगों से बड़ी ही प्यार से चैटिंग कर रहा होता है। चैटिंग करते करते वो वैसे भी पूरा दिन घर का काम करते करते थक जाता था। रेड वाइन स्किन को अच्छा करती है, इसलिए यहाँ पर वेनिंग जो था रेड वाइन लेके आया हुआ था। वेवुशन को वाइन काफ़ी पसंद थी और वो उसे पी भी रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक जगह जाती है। वो एक कॉर्नर पे देखता है कि ये इंसान तो जाना पहचाना लग रहा है। उसे याद आता है सेम सूट तो लंजा के पास है ना। वो एकदम से देखता है और वो डाउट करने लगता है, ये इंसान कौन है? इस इंसान की पूरी छवि लंजा जैसी लग रही है। वेवुशन कभी भी अपने अल्फा को देखने में धोखा नहीं खा सकता था। वेवुशन थोड़ा थोड़ा नज़दीक आता है तो वो देखता है लंजा एक किसी और लेडी के साथ बैठा हुआ है। वो एक ओमेगा है, उसके पास से स्ट्रॉन्ग ओमेगा सेंट आ रहा है। यहाँ पर लंजा और वो जैसे बहुत गहरी बातें कर रहे हों। यहाँ पर अचानक से वेवुशन देख लेता है कि लंजा इसी होटल में, इस 5-स्टार ग्रैंड होटल के एक कैफ़े में बैठा हुआ है, वो भी किसी ओमेगा के साथ। वेवुशन की तो यहाँ पर गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता, और वो जैसे ही ये सब देखता है वो जाकर लंजा को सीधा बोल देता है, लंजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर लंजा कहता है, विंग तुम यहाँ कैसे? विंग कहता है, ओह मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं था, लेकिन इस कैफ़े में आकर बैठकर खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पूरा वक्त था। कौन है ये? यहाँ पर वो लेडी सामने बैठी हुई थी। यहाँ पर वांगजी कुछ नहीं बोल पाता, बार बार गुस्से में वेवुशन कहता है, कौन है ये मुझे बताओ लंजा, क्या तुम किसी ऑफिशियल ट्रिप से आए हो? वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग का गुस्सा सातवें आसमान पे आ रहा था। वो कहता है, तुम मुझे बताते हो या नहीं कौन है ये? वांगजी कहता है, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड। जितना ही वांगजी ने ये बोला था, विंग का पारा ऊपर चला गया था। विंग ने कभी नहीं सोचा था, विंग को हर चीज़ के लिए मना कर दिया जाता है, और यहाँ पर वांगजी अपने दोस्तों से मिल रहा है उससे बिना बताए, जबकि विंग वांगजी को इन्फॉर्म करके आया, फ़ोन कर रहा था, यहाँ तक कि इतने सालों बाद वो वेनिंग से मिल रहा था तब भी वो अपने पति को इन्फॉर्म करना चाहता था, और उसका पति यहाँ उस पर एक तरह से मानो धोखा ही दे रहा है। विंग को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। विंग कहता है, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? वांगजी कहता है, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे, और इससे पहले मेरी मीटिंग थी तो फ़ोन मैंने ऑफ कर रखा होगा। विंग को बहुत गुस्सा आता है और विंग कहता है, अच्छी बात है, ऑफ ही रहने देना। यहाँ पर गुस्से में ये बोलकर विंग वहाँ से चला जाता है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, विंग की आंखों से आंसू टपक रहे थे। वांगजी जैसे ही वहाँ से उठ के आने वाला होता है कि उसकी वो ओमेगा फ्रेंड उसे रोक लेती है और कहती है, वांगजी आई नीड योर हेल्प, मुझे तुमसे सच में मदद चाहिए। वांगजी यहाँ पर कहता है, बट वो कहती है, कोई बात नहीं, अपनी वाइफ को जाकर घर पे मना लेना,
प्लीज़ ये अर्जेंट है, मेरे हस्बैंड की जान दाव पे लगी है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक्चुअली मैं तुमसे यहाँ इसलिए मिली हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हस्बैंड को बताओ कि मैंने तुमसे उधार लिया है। एक वक्त पे तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, बस उसी का फेवर रिटर्न कर दो वांग जी, मैं तुम्हारे पैसे सूद समेत चुका दूंगी। यहाँ पर वांग जी कहता है तुम्हें इस सब की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे फादर ने अंकल की बहुत मदद की है जब हमें ज़रूरत थी और आज मैं तुम्हारी मदद करने से बिल्कुल भी पीछे हटूंगा नहीं। मैं तुम्हें पक्का जितना तुमने अमाउंट कहा है उतना दे दूंगा और तुम्हें इंटरेस्ट भी पे करने की ज़रूरत नहीं, बस अमाउंट ही वापस पे कर देना। यहाँ पर वांग जी ये बोलता है और पीछे पीछे जाता है। परवीन अब तक टैक्सी पकड़ चुका था और घर के लिए निकल गया था। वांग जी अपनी गाड़ी से आया था। विंग को यहाँ पर बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग यहाँ पर अपनी गाड़ी से नहीं आया था बल्कि टैक्सी से ही आया था और अब उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर लिटरली उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे ऐसा लग रहा होता था जैसे उसके मतलब मुंह पे ना जिंदगी ने करारा चाटा मार दिया है। उसे एक हकीकत दिखाई कि ओमेगा होने पे उसकी कोई औकात नहीं है, उसका अल्फा जहाँ मर्जी जिस मर्जी से मिले। विंग के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, शूशे से नहीं बात करनी, उससे नहीं बोलना, इससे नहीं बोलना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और यहाँ पर लवांग जी आज़ादी से बैठा हुआ था कोई चिंता के बिना। विंग को ये चीज़ बहुत दिल पे लगती है आज, जैसे वो पूरे के पूरे संसार को अपने गुस्से से सबको तबाह ही कर दें। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, आखिर उसे गुस्सा क्यों ना आए, आज उसका गुस्सा फूटना ही था। यहाँ पर वो जैसे ही घर पहुँचता है वो सर्वेंट से कहता है कि आप बच्चे आ गए। सर्वेंट कहती हैं कि बच्चों का आज जो है वो वहाँ पर प्रोग्राम है तो वो लोग 2 घंटे लेट आएंगे। आज उनकी टीचर्स कह रही हैं कि उनका कोई प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम, जिसकी वजह से बच्चों 2 घंटे लेट आएंगे। यहाँ पर वेवशन कहता है ठीक है। यहाँ पर वो अपने कमरे में जाता है गुस्से में और अपने बेड पर जाकर वो आराम से लेट जाता है। यहाँ पर वांग जी भागा भागा उसके पीछे पीछे आता है अपनी गाड़ी को पार्किंग लॉट में रख के, और वो पूछता है कि क्या वेवशन आ गया। यहाँ पर सर्वेंट जवाब देते हैं जी हाँ वो आगे हैं, वो अपने रूम में गए हैं। वांग जी भागा भागा अपने रूम में आता है और देखता है कि विभूषण तो चढ़ के आराम से सोया हुआ है। यहाँ पर वांग जी कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें। विंग की आंखें बिल्कुल लाल थी और वो उसे जवाब नहीं देना चाहता था। वांग जी यहाँ पर कहता है विंग तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रहे ना, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो। यहाँ पर विंग जो है वो गुस्से में उठ के बैठता है और वांग जी के मुँह पर कहता है मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रहा हूँ लंजा, मैं समझता हूँ इंसान की अपनी नीड होती है, इंसान का अपना बिहेवियर होता है, मैं सब समझता हूँ, मैं जानता हूँ इंसान एक इंसान के साथ रह रह के बुर हो जाता है, इरिटेट हो जाता है और वो दूसरे इंसान पे अपना बहुत ज़्यादा अधिकार समझने लगता है और फिर उसे लगता है कि मेरा इंसान कहीं कहाँ ही कैसे जाएगा, क्या ही करेगा, और फिर वो रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। मैं समझता हूँ लंजा, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ अल्फा की फितरत, और फिर वो सोचते हैं कि ओमेगा बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, उन्हें सप्रेस कर दो, उन्हें बुली करो या फिर उनके हक मार दो। मैं समझता हूँ लंजा, और मैं ये भी समझता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पता नहीं कैसे अंकल जी अंगफहमिया की वजह से हमारी शादी फिक्स हो गई, हमने शादी कर ली, हमारे बीच कभी 2 मिनट भी ढंग से बात नहीं हुई। विंग की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, वो आज अपने दिल की सारी भड़ास निकालना चाहता था और वो रोते रोते कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता था, मैं हमेशा से बाहर काम करना चाहता था, अपना नाम बनाना चाहता था, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता था, पर मेरी शादी तुमसे हो गई, जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे काम करना है तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मना कर दिया, मुझे लगा कोई बात नहीं वक्त के साथ साथ तुम बदल जाओगे, तुम कभी नहीं बदले। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गया, फर्स्ट नाइट भी जो भी हुआ उसमें पहले मेरी रजामंदी नहीं थी, लेकिन जो भी हुआ उसके बाद मैं एग्री कर गया। उसके बाद जब भी जो जो होता था वहाँ पर हम दोनों की अल्फ़ा ओमेगा हीट ही हमें ट्रिगर कर देती थी, लेकिन मैं फिर भी सब सहता गया। हमारा पहला बच्चा हुआ तुम नहीं आए, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है उसके बाद भी तुम कुछ महीने अलग रहे, मैंने तब भी नहीं कहा। फिर दूसरे बच्चे के टाइम पे तुमने खातिरदारी की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ लंजा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं संभाल सकता, मुझे मुझे मुक्ति दे दो, मुझे इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए।
मुझे डिवोर्स चाहिए लंजा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे घुटन होती है, मैं खुल के हंस नहीं सकता, मैं अपनी बात नहीं कह सकता, मेरा सुनने वाला कोई नहीं होता, तुम पूरा दिन लैपटॉप में लगे रहते हो, तुम्हें पता भी नहीं होता कितनी सारी बातें थी जो मुझे तुमसे करनी थी इन सालों में, पर मैं कभी कुछ कह ही नहीं पाया क्योंकि तुम सुनना नहीं चाहते थे, और अब मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। जब तुम आज के बाद सुनना भी चाहोगे तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं लंजा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी का वो जवानी का वो वक्त ख़राब कर दिया जो मैं सच में इंजॉय करना चाहता था, जो वक्त मैं अपने आप को लगा कर खुद को बिल्ड करना चाहता था, अपना नाम बनाना चाहता था, तुमने उस सब चीज़ों को बर्बाद कर दिया लंजा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी ज़िंदगी खा गए तुम, और मैं बच्चों की कस्टडी खुद लूँगा, मैं नहीं चाहता कि उनका एक बोरिंग बाप हो आज, जिसे वो बहुत अच्छा सीधा समझ रहे हैं, एक दिन तुम उन्हें भी इग्नोर करोगे, जब वो अपनी प्रॉब्लम तुमसे डिस्कस करने आएंगे तुम बैठ जाओगे लैपटॉप खोल के और उनके सामने उनकी चीज़ों को इग्नोर कर दोगे, तब उन्हें मेरी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। मैं बहुत बोलता हूँ, मैं तुम्हें बुली करता हूँ ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन मैं जो पल पल मरता हूँ, मैं जो पल पल फील करता हूँ, मेरी आज़ादी जो सबने मिलकर छीन ली है वो कोई और नहीं जानता। यहाँ पर वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और कहता है लंजा निकल जाओ इस रूम से बाहर, मैं तुम्हें सू कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, मैं डिवोर्स चाहता हूँ। यहाँ पर लंजा उसके पास आ रहा था तो विभूषण गुस्से में पास में बड़ा पानी का गिलास उठाता है और लंजा के ऊपर फेंक देता है और कहता है आज के बाद मेरे करीब भी मत आना, जिस लेडी के साथ तुम बैठे हुए थे ना, चक्कर है तुम्हारा, उसी के पास जाओ। मैं जानता हूँ मेरे करीब तुम इसलिए नहीं आते, मुझसे बात नहीं करते, कभी प्यार के दो शब्द मीठे नहीं बोले, कभी ये नहीं पूछा विंग तुम्हारा दिन कैसा गया, और उससे वहाँ पर बैठकर तुम बातें मार रहे थे फ़ोन ऑफ करके मुझे बिना बताए। आज मैं पहली बार घर से बाहर गया अपने अननोन जो कि जिन्हें तुम नहीं जानते उन फ्रेंड से मिलने, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया, मैसेज किया, लेकिन तुम किसी से मिलने जाते हो तो तुम मुझे क्यों बताओगे, अल्फा होना तुम, शौक पूरे करो अपने, रखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और कह देना वही तुम्हारे और बच्चे पैदा कर लेगी, वही तुम्हारा घर चला लेगी, लेकिन अब विंग तुम्हारे लिए मर गया है लंजा। लंजा यहाँ पर विंग के पास आता है, विंग को और गुस्सा आता है, विंग कहता है अगर यहाँ आए तो मैं ये ग्लास फेंक के मारूंगा और सिर फोड़ दूंगा तुम्हारा, चले जाओ यहाँ से। लंजा फिर भी पास आता है तो विंग को और गुस्सा आता है, विंग यहाँ पर लंजा की तरफ ग्लास फेंकने ही वाला होता है, फिर उसे याद आता है ग्लास खराब हो जाएगा, बड़ा महंगा है, वो यहाँ पर गुस्से में अपनी पास पड़ी स्लीपर उठाता है, दोनों स्लीपर से लंजा को फेंक फेंक के मारता है। लंजा कहता है विंग विंग नहीं, वहाँ पर वो फ्लाइंग चप्पड़ उड़ती भी आती है और लंजा के एक बम पे लगती है और एक थाई पे लगती है, और फिर बेचारा लंजा वहाँ से बाहर चला जाता है। विंग यहाँ पर बहुत गुस्से में बैठा हुआ था और उसका रोना जैसे जा ही नहीं रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि लंजा कुछ नहीं बोल पाया ना, इसका डेफिनेटली चक्कर है, और यहाँ पर वो मन में सोचता है उसने कितने सपने देखे थे, आज उसके सारे सपने ना चूर चूर हो गए, अब वो इस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहेगा जो दूसरों को प्रायोरिटी देता है, उसे आज बाहर जाना था, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, जैसे मानो विंग उसके लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पर लंजा को बहुत दुख हो रहा था, बहुत रिग्रेट कि काश वो एक बार विंग को समझाए, उसने हमेशा विंग से बहुत प्यार किया है, वो विंग से प्यार करता है, केयर करता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो एक बैड डैड है, वो अपने बच्चों की चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता, उसने आज दिन तक अपने बच्चों की चीज़ों को इग्नोर नहीं किया है, और विंग की डिलीवरी के वक्त उससे दूर रहना और उसके बाद भी जो 3 महीने दूर रहना था वो एक मजबूरी के तहत थी, वो सब कुछ विंग को बताना चाहता था। उसके सामने विंग का वो चेहरा याद आ रहा था जब वो कंप्लेन करते हुए रो रहा था, चीक्स लाल थे, होंठ कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे, और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लंजा को लगता है कि अब वक्त आ गया है वो विंग से एक्सप्रेस करना शुरू कर दे अपनी फीलिंग्स को, इससे पहले कि विंग सच में उसे छोड़ के चला जाए। यहाँ पर लंजा के दिल में दर्द होता है, पहली बार वो अपने ब्रदर को फ़ोन मिलाता है और कहता है गग गग प्लीज़ यहाँ आ जाओ। उसके गगा कहते हैं वांग जी तुम क्यों घबराए हुए हो, वो कहता है गग विंग विंग डिवोर्स चाहता है। यहाँ पर डिवोर्स का नाम आते ही उसके गगा कहते हैं क्या, पर क्यों? यहाँ पर लंजा कहता है वो विंग ने मुझे मेरी एक फ्रेंड के साथ देख लिया, हम होटल में थे, मैं बस उसकी हेल्प करने गया था, कुछ भी नहीं है गगा हमारे बीच, मैं कसम खा के कहता हूँ, पर विंग को पता नहीं क्या हुआ है, वो गलत समझ रहा है और वो मुझे तलाक देने की बात कर रहा है। गगा प्लीज़ विंग को समझाओ ना कि वो रुक जाए, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। यहाँ पर शिचन कहते हैं ये बात तुम्हें विंग से कहनी चाहिए, मुझसे नहीं, और डोंट वरी मैं वहाँ आता हूँ, सॉल्व कराता हूँ तुम्हारे मैटर को। इतने में नीचे बच्चे आ जाते हैं,
विंग जो कि ऑलरेडी अब इतना गुस्से में आ गया था, उसकी आंखें पफी हो गई थी। वो ऐसे ही रोते रोते सो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर रोता नहीं था। उसकी आदत थी स्माइल करना, मुंह बनाना, चिड़चिड़ा करना, वो बिल्कुल शिनचैन जैसा था। लेकिन एट द एंड वो ज़्यादा देर रो भी नहीं सकता था, वो सो जाता है। और यहाँ पर बच्चे जब घर में आ जाते हैं, अपनी मामा के पास जाते हैं, तो सोते हुए विंग को कोई बड़े प्यार से उसके गाल खींचता है, कोई नोजी खींचता है, और कोई मम्मा के सिर पे बड़े प्यार से हाथ फेरा रहा होता है। और यहाँ पर उनकी बेटी कहती है, मम्मा मम्मा उठो ना, क्या हुआ, मम्मा की आँखें मोटी मोटी क्यों हो रही हैं मम्मा। यहाँ पर उसका बच्चा भी बड़े प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, श मम्मा सो रही हैं, मम्मा को मत उठाओ वरना मम्मा गुस्सा करेंगी, गुस्सा करेंगी तो मुझे, तुम्हें और पापा सबको डांटेंगी। यहाँ पर बड़े प्यार से उसकी बेटी से जगाती है। और विंग यहाँ पर कहता है, क्या है, मुझे सोने दो, तुम दोनों ना मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे। विंग की बेटी फिर भी उसके गालों को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहती है, मम्मा उठो ना, हमें आपको बताना है आज हमारे स्कूल में क्या क्या हुआ। विंग बड़े प्यार से अपनी बेटी को हक कर लेता है, तो उसका बेटा आता है, मुझे भी हक करो। विंग दोनों को अपनी बाहों में भर लेता है और कहते हैं, अब बताओ क्या हुआ है। यहाँ पर वो अपने स्कूल की गाथा बताने लगते हैं, जिसे सुन के विभूषण के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और विभूषण यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को हक करे हुए था, तभी लवांगची भी कमरे में आता है। यहाँ पर विभूषण प्रिटेंड करता है जैसे वांगजी एग्जिस्ट ही नहीं करता। वांगजी यहाँ पर विंग से बात करने आता है, तो विंग कहता है, तुम्हारे पापा ने आज मुझसे लड़ाई की है, तो आज पापा से कोई नहीं बोलेगा। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी पापा से बात की ना, तो याद रखना मम्मा आप दोनों से बिल्कुल बात नहीं करेगी, ये घर छोड़ के चली जाएगी। यहाँ पर विंग अपनी बचकानी सी हरकत करता है, जिसकी वजह से दोनों बच्चे मुँह पे उंगली रख के बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते, चू चपट कुछ नहीं करते। उन्हें अब इन लोगों को इंतज़ार था शिचन के आने का। देखते हैं जब शिचन आएगा तो क्या होगा, विंग किस तरह से टेंट्रम्स थ्रो करेगा और किस तरह से अपनी बातों को मनवाएगा कि इनका जो केस है ना वो कोर्ट तक चला जाएगा। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइस आजकल ना मैं डिजिटल आर्ट करना सीख रही हूँ, क्योंकि मैं कम से कम अपने 4 से 6 घंटे डिजिटल आर्ट को देती हूँ। मेरे पास थोड़ा रीडिंग और राइटिंग का टाइम नहीं रहता, इसलिए मैंने स्ट्रेंज इंसिडेंट जो है वो अभी तक अपडेट नहीं की, क्योंकि मेरे पास राइटिंग का टाइम नहीं होता। दूसरी चीज़, मैं अपनी मंगा खुद की बनाना चाहती हूँ, वेबसाइट पे या यूट्यूब पे चलाना चाहती हूँ, तो गाइस उसके लिए ना मुझे कम से कम 2-3 महीने मेहनत करनी होगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ। जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, दी आप अपडेट नहीं कर रही या कुछ नहीं कर रही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मंगा के 2-3 चीज़ें बनाने में, डिज़ाइन करने में मेरे 6 से 8 घंटे बड़े प्यार से चल जाते हैं। शेडिंग करना, कलरिंग करना, बहुत सारी चीज़ें करना, बैकग्राउंड बनाना, बिकॉज मुझे डिजिटल जो आर्ट है वो उसका 0 आता है और मैं 0 से शुरू कर रही हूँ, तो थोड़ा वक्त लग जाता है। तो इस वजह से जैसे अगर मैं कभी एक वीडियो डालती हूँ या नहीं डाल पाती, तो प्लीज़ शिकायत मत कीजिएगा, मैं जिस तरह भी मुझे टाइम मिलेगा मैं अपडेट कर दूंगी। और थैंक यू सो मच अपने सपोर्ट के लिए, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। चैनल को सब्सक्राइब बहुत अच्छे से कर दे गाइस, वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यूट क्यूट रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। एक्चुअली मुझे ना बच्चों का इतना पार्ट इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ या जल्दी से स्किप करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा जो है बच्चे संभालने की आदत नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे जितना जितना जिस चीज़ का एक्सपीरियंस मैं उतना ही शेयर करती हूँ। इसलिए बच्चों वाला पार्ट में ऑब्वियसली बात है बहुत सारी जो फैन फिक्शन है, सब कहते हैं कि आप उसमें ये एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, जल्दी ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा कम्फर्टेबल नहीं होती तो मैं जल्दी ख़त्म कर देती हूँ। आई होप आपको ये अच्छी लग रही होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।